हाँ पहला क्वेश्चन लिखे हैं भाई, जिसके अंदर ड्रॉ अ नेटवर्क डायग्राम कॉमा आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पार्ट एंड कैलकुलेट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड कैलकुलेट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इसमें तीन चीज सवाल पूछा, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम तो आता ही अपने को, इसमें और क्या पूछा मैंने, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पार्ट जो नया चीज कर रहे हैं, और एक पूछा कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है। क्वेश्चन लिख लें आप, एक्टिविटी लिखें, एक्टिविटी एक्टिविटी में नंबर में दे रहा हूं, एक्टिविटी है 1-2 1-3 2-4 2-5 2-6 3-7 3-8 4-9 बराबर। अब नीचे मत जाओ, बाजू में लिखो, बाजू में लिखो, बाजू में जगह है ना, वहां लिखते जाओ। 5-9 एक्टिविटी का नाम है, 5-9 6-10 7-10 8-11 9-10 10-12 11-13 बराबर। ये आपने एक्टिविटी लिखा ना, इसके बाजू में ड्यूरेशन भी डालो छोटा सा, अब जगह नहीं रखा है तो आजू बाजू रख लो। ड्यूरेशन किधर, एक्टिविटी के बाजू में, अब तुमने यहाँ लिखा है तो ये बाजू का ड्यूरेशन समझ में आ जाएगा। अब तुमने ये बाजू किया है ना, तो इसका ड्यूरेशन यहाँ डाल देना, इसका ड्यूरेशन यहाँ डाल देना, ठीक है ना, ये स्मार्ट बॉय है, जैसा बोला वैसा नहीं करते हो आप भी, स्मार्ट करते हाँ वेरी गुड। 1-2 का ड्यूरेशन है 15 मंथ, खाली 15 लिखे, 1-2 के बाजू में 15 हाँ 15 उसके नीचे लिखते जाओ, यहाँ कर लेना गड़बड़ नहीं होगा, यहाँ लिखते चलेगा ना, 15 उसके बाद 18 16 18 मैं एक ही बार बोलूंगा, आप बीच में रिपीट मत करने लगा, आई एम स्टार्टिंग अगेन, पहला 15 16 फिर 18 16 14 अगेन 14 15 13 11 हुआ, फिर उसके बाद 13 फाइन एंड में 13 फिर 15 14 19 12 14 11 और लास्ट में 21 ठीक है, सही पकड़ा सबने। ये आपका बड़ा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तकरीबन नेटवर्क डायग्राम बनाने बोलेंगे, और उसके बाद आप लोगों को उसका क्रिटिकल पार्ट भी निकालना है, और उसके बाद ये भी सॉल्व करना है। न्यूमेरिक एक्टिविटी है, एक्टिविटी इसमें नंबर्स दिए गए, और नंबर वाला एक्टिविटी बनाना काफी आसान होता है, यहाँ पर कोई प्रीसीडिंग नहीं, कोई सब्सिडिंग नहीं होता है, और डमी मोस्टली करके कम आते हैं। इसमें नया चीज सीखने को क्या मिलेगा कि ड्यूरेशन भी कुछ दिया है, ड्यूरेशन मंथ में देंगे, डेज में देंगे, वीक्स में देंगे, वो ड्यूरेशन को भूल जाओ, आप नेटवर्क डायग्राम बनाने की कोशिश करो। एक्टिविटी दिया ना मैंने 1.2 1.3
ओके, ड्यूरेशन को भूल जाओ, आप नेटवर्क डायग्राम बनाओ। नेटवर्क डायग्राम बनाओ भाई। तेरा साबुन स्लो है क्या? क्या है हमारा 1.2? हाँ भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है बनाने में। 4.9 बना, 5.9 है, 5.9, 6.10, 7.10, 7.8.11, 8.11, 9.10, 9.10 के बाद 10.12 इधर आया, 2.10 ठीक है, ये ज्यादा आसान होता है ना पर और as I told you कि ये डायग्राम सबका अलग अलग बनेगा, तो don't try to imitate other people diagram. हाँ, okay. नहीं depend करता है ना कि किसने कौन से activity का length कितना बड़ा लिया, कौन से position पे लिया. खादर मैडम, वो जल्दी आ गए आपको? अच्छा. सर 9, 10, 9, 6 और 7 को ये किया है। तो यहाँ पर आप वो प्रीसीडिंग सबस्टडी का कॉन्सेप्ट छोड़ दो ना, दोनों को टच करना है ना, तीनों पास। नहीं यहाँ पर वो बात आती है कहाँ पे यार, हर एक्टिविटी को फॉलो कर, कहाँ से क्या हो, 1 से 2 गया, 2 से 1 से 3 गया, 2 से 4, 2 से 5, 2 से 6,
फॉलो द एक्टिविटी, तो वही 10 लिख दिए एकदम एक्टिविटी। और किसी के मन में ऐसे कुछ ख्याल आ गए सर कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, मैंने कहा ना एक्टिविटी बनाओ। ये 9 से क्या है, ये कौन सा एक्टिविटी है, इसका बाकी है बोर्ड पे, मैंने बना के बता भी दिया, राइट है। हाँ राइट है ना, 10 से 12 है, 12 से 13 है, 7 से 10 क्या, हाँ राइट है, 8 से 11 है, 11 से 13 राइट है। सर मतलब फिर उसको कैसे भी पास में मिला, नहीं भाई कैसे भी वर्ड कैसे बोल रहे हैं आप, तो कैसे भी कैसे होता है, नहीं नहीं आपके जी से कैसे भी नहीं चलेगा, कैसे भी तो नंबर का ऐसे ही बोलता है, नंबर तो काफी इजी होता है ना आपको क्वेश्चन करने के लिए, बाकी सबका हुआ मिनट हुआ, ठीक है आगे देखें जरा। अच्छा गौतम रुक जाओ दो मिनट, ओके मैं आगे का सम बता दूं भाई, ये नेटवर्क डायग्राम तो हर समय करेंगे यार, की चिंता मत करो। अब जरा जो ड्यूरेशन दिया गया उस पे गौर करें, छोड़ दो छोड़ दो बाद में करते हैं, अभी ध्यान दो वरना आगे वाला भी मिस हो जाएगा। ड्यूरेशन जो दिया है उसका इस्तेमाल करना बताता हूँ मैं, 1 से 2 का ड्यूरेशन ध्यान से देख के बताना, 15 मैं जो पूछूंगा सिर्फ उसी का बोलना, गलत बोलोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको जो बोलना है वो मत बोलो, मैं जिस एक्टिविटी का नाम पूछूं उसका नंबर बोलना। 1 से 2 में 15 आया, मैं पूछता हूं 1 से 3 18 2 से 4 16 2 से 5 14 2 से 6 14 4 से 9 11 4 से 9 11 5 से 9 15 13 6 से 10 15 3 se 7 15 3 se 8 13 8 se 11 19 7 se 10 14 9 se 10 12 10 से 12 14 12 से 13 21 और 11 से 13 11 एक बार वेरीफाई कर लो भाई, ये गलत होगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो ड्यूरेशन दिया है उसको लिख दिया सिंपली, बराबर। तो अब तक हमने सिर्फ नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखा और जो ड्यूरेशन एक नया चीज जो दिया गया था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद आप देखें करना क्या है, एक टेबल बनेगा जिसमें पहला हम लिखेंगे, नाउ डोंट राइट ना, लेट मी डू इट, मैक्सिमम पॉसिबल पाथ यानी रास्ता, मैक्सिमम पॉसिबल पाथ, और यहां पर हम लिखेंगे ड्यूरेशन इन डेज या मंथ में, जो भी आपको दिया है मंथ में दिया मेरे ख्याल से, ड्यूरेशन इन मंथ, ओके। मैक्सिमम पॉसिबल पाथ का मतलब ये होता है कि आपका स्टार्ट एक्टिविटी 1 है, आया ना, है ना, इतना बंद करो ध्यान दो, स्टार्ट एक्टिविटी कौन सा है 1 और एंड एक्टिविटी कौन सा है 13। अब हमें ये देखना है कि एक्टिविटी 1 से लेके 13 तक जाने के लिए बहुत सारे एरो निकल रहे हैं ना, एरो मतलब इट इज अ एक्टिविटी लीडिंग यू, स्टार्ट से लेके एंड तक पहुंचने का रास्ता है ना वो, तो 1 से लेके 13 तक पहुंचने के कितने अलग अलग रास्ते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल पाथ इन हाउ मेनी वे यू कैन गो फ्रॉम 1 to 13, बराबर, इसको कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल पाथ। 1 से लेके 13 तक जाने के क्या क्या रास्ते हैं, हमेशा एकदम अपर एरिया से स्टार्ट करना, टॉप से स्टार्ट करना, 1 से 2 पे जा सकता हूं, 2 से मैं 4 पे जाऊंगा, 4 से 9 पर, 9 से 10 पर, 10 से 12 पर, और 12 से 13 पे पहुंच गया, ये एक रास्ता। ऐसे बहुत सारे रास्ते ढूंढने और एक भी छूटना नहीं चाहिए वरना हमारा जो क्रिटिकल पार्ट है वो रॉन्ग हो जाएगा,
ओके जो जो हो गया मैं लिखता जाता हूँ. पहला मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, वन से कहाँ गया टू, टू से कहाँ गया फोर, फोर से कहाँ गया नाइन, ध्यान से बोलना, नाइन से कहाँ गया टेन, और टेन से कहाँ गया ट्वेल्व, ट्वेल्व से कहाँ चला गया थर्टीन. ये एक पॉसिबल पाथ है. ओके अब थोड़ा रास्ता चेंज करते हैं, वन से टू पे जाते हैं, टू से ऊपर फोर चला गया था ना, एक रास्ता मुझे यहां से दिख रहा है, दिख रहा है, वन से कहा जाऊंगा टू पर, टू से कहा जाऊंगा फाइव, फाइव पे ऊपर चले जाऊं, है ना, हल्का सा डाइवर्जन भी चलेगा, सेम ही होना चाहिए. वन से टू, टू से फाइव, फाइव से नाइन, नाइन से टेन, टेन से ट्वेल्व, ट्वेल्व से थर्टीन. सुना आपने, बोलते जाओ मुझे, पहला कहा जाऊंगा वन से टू, टू से फाइव, वेरी गुड, टू से मैं फोर पे ले गया, रास्ता चेंज किया, टू से फाइव पे आया, फाइव से कहा जाऊंगा नाइन, नाइन से टेन, टेन से ट्वेल्व, ट्वेल्व से थर्टीन. ये दूसरा रास्ता था मेरा. अब और क्या ऑप्शन बचा मेरे पास, वन से टू पे जा सकता हूँ, टू से सिक्स, टू से सिक्स पे जाऊंगा, समझ में आ रहा, थर्ड वाला हो गया, वन से टू, टू से सिक्स, सिक्स से टेन, टेन से ट्वेल्व, ट्वेल्व से थर्टीन. समझ में आया, ओके आई विल राइट दिस, बोलते जाओ, वन से टू, टू से सिक्स, सिक्स से टेन, टेन से ट्वेल्व, ट्वेल्व से थर्टीन. तो ये तीन रास्ते मिले मुझे, तीन अलग अलग रास्ते आ गए. अब और देखते हैं मेरे पास कहाँ कहाँ से, मैंने ये रास्ता भी खत्म किया, मैंने ये मिडिल रास्ता भी खत्म किया, मैंने ये रास्ता भी खत्म किया, अब क्या बचता है, वन से कहाँ जाऊंगा टॉप रो में कुछ बचा क्या, अब यूज किया ना भाई, वन से थ्री, थ्री से सेवन, वेरी गुड, थ्री से सेवन, सेवन से टेन, टेन से ट्वेल्व से थर्टीन. समझा, बोलो नंबर, वन से थ्री, थ्री से सेवन, सेवन से टेन, टेन से ट्वेल्व, ट्वेल्व से थर्टीन, बराबर. अब और कुछ बचता है, वन से थ्री, थ्री से सेवन किया ना पहले, अब थ्री से एट, एट से इलेवन, इलेवन से ओके बोलो, वन से थ्री, थ्री से एट, एट से इलेवन से थर्टीन. These are my maximum possible path. Now I read, I need to write the duration, यानी month of this path. कितना समय लगेगा ये activity खत्म करने में? One से two में मुझे 15 दिन लग रहे ना, 15 महीने. यार days बोलो, week बोलो, hour बोलो, फर्क नहीं पड़ेगा, बस duration है. One से two में 15 दिन लग रहे हैं, two से seven में 16 दिन लग रहे हैं. वो लिखते जाओ. यहाँ क्या लिखा? One से two लिखा ना. One से two का duration बोलो. 15. 15 प्लस 89 यहाँ पर आ जाते हैं. इसका एक्टिविटी बोलो, 1 से 2 का ड्यूरेशन 15 प्लस 15 प्लस 2 से 5 का कितना 14 प्लस 13 प्लस 12 समझ रहे हैं सबको, 12 प्लस 14 21 ऐड अप 89 सेम आया. इसका बताया 1 से 2 में 15 होगा, 2 से 6 में कितना हुआ 14, 2 से 6 में 14, फिर 15, फिर प्लस 14 प्लस 79. ओके थर्ड पाथ का ड्यूरेशन, फोर्थ पाथ का ड्यूरेशन बताएं, 16 प्लस 15, 1 से 3 में कितना हुआ 18, 18 प्लस 15, 15 प्लस 14 प्लस 14 21 82 82 लास्ट वन, 1 से 3 का 18 प्लस 13 प्लस 19 61 प्लस 11 61 बस नहीं है, हां 1 2 3 4 हां ठीक है, कितना आ रहा है 61 81 ओके. अब है क्या, देखें जरा करना क्या है, ये इसके अंदर मेरा सबसे ज्यादा ड्यूरेशन देखो कौन सा है, 89 सबसे ज्यादा ड्यूरेशन 89, तो ये दोनों
सबसे ज्यादा है, तो ये दोनों मेरे लिए क्रिटिकल पार्ट है। क्रिटिकल पार्ट नाजुक, जो क्रिटिकल है जिसपे मुझे ज्यादा ध्यान देना है, समझा? क्वेश्चन में क्या पूछा आप लोगों को, ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पार्ट एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, बराबर इतना सब कुछ पूछा है, तीन चीज पूछा है, तो नेटवर्क डायग्राम तो बन गया। क्रिटिकल पार्ट कौन सा होगा जिसमें सबसे ज्यादा ड्यूरेशन हो रहा है, वो क्रिटिकल पार्ट। अगर मान लो पहले वाले में होता 97 डेज तो हम उसको क्रिटिकल पार्ट मानते हैं, बराबर। और क्रिटिकल पार्ट कैसे नीचे लिख के दिखाना है, क्रिटिकल पार्ट विल बी, ओके, क्रिटिकल पार्ट विल बी ये वाला, फर्स्ट और सेकंड दोनों भी है ना क्रिटिकल, दोनों का ही नहीं है, तो आप लिख के दिखा देना, क्या है बोलते जाओ, 1.2.4.9.9.12.13, दूसरा वाला भी 1.2.5.9.10.12.13, ये दोनों मेरे क्रिटिकल पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन ड्रॉ नेटवर्क डायग्राम बनाया, दूसरा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पार्ट वो भी बता दिया, और तीसरा पूछा है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, तीन क्वेश्चन पूछा ना उसके अंदर, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज इक्वल टू 89 मंथ, खत्म। सबसे ज्यादा जो आया ना वो मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सारे एक्टिविटी कंप्लीट हो गए तो ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ना भाई, तो सारे एक्टिविटी कंप्लीट होने में एक एक्टिविटी 61 में खत्म हो रहा है, एक 79 में, 82 में, और दो ऐसे हैं जो 88 में खत्म हो रहा है, तो प्रोजेक्ट 89 मंथ में खत्म होगा। कॉपी दिस।